कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ वनीला स्पंज केक की रेसिपी शेयर करूंगी। और आज हमारी हेल्प करेंगे छोटे शेफ, मिले मेरे बेटे से, ये मेरा छोटा बेटा है और ये मेरी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हम एक कप डालेंगे मैदा, आपकी मर्ज़ी है अगर आप एक कप बनाना चाहते हैं, मैं वैसे दो कप का बनाती हूँ, तो ये आप डालें दो कप मैदा। बच्चों को बहुत शौक होता है तो इसलिए आज ये मेरे साथ है। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी और कप की मेजरमेंट ले सकते हैं। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, ये देखिए मेरे बंज है, आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप दूसरे किसी स्पून की भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 टेबल स्पून हमने बेकिंग सोडा डाला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो आपको कैसा लग रहा है कुकिंग करके? अच्छा लग रहा है? यार मामा नीचे 1/2 टीस्पून अब मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। आपने ये इसका बड़ा ख्याल रखना है कि इसकी मेजरमेंट जो है वो पूरी पूरी हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 1 कप ऑयल डालेंगे। देखें 1 कप दूध ऐड कर लें और देंगे ये देखें चीनी, ये आपकी मर्जी, आप जितना मीठा करना चाहते हैं 1.5 कप भी डाल सकते हैं। 1/2 मैंने और डाला इसमें। अब इसमें 3 अंडे डालने हैं, लेकिन अंडों को आपने किसी और बर्तन में निकाल लेना है कि ख़राब ना हो, तो फिर बाद में ऐड करना है। अब ये देखें अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अंडे, ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वनीला एसेंस, जो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम वनीला केक ही तैयार कर रहे हैं। 1 मिनट ये डालें। चलें जी अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखें अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब जो आप डिश जिसमें केक बनाना है आपने, मेरे पास ये एक ग्लास की है और इसको आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ। ये देखें मैंने अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं ऐड की। अगर दूसरी शुगर है आपके पास तो आपको मिक्स ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो जितना इसको बीट करेंगे, जितना मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। चलिए ठीक है अब हम इसको डिश में निकालेंगे जिसमें हमें बेक करना है। इतना प्यारा बना के आपके लिए। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया इसको, अब मैं इसको बेक करूंगी। और आपके पास अगर स्प्रिंकल्स हैं या चॉकलेट चिप है, कुछ भी है, तो आप ऊपर से इसके ऊपर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अच्छा मैं इसको माइक्रोवेव में बेक करूंगी तो सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको लगाऊंगी और ये अच्छे से देखिए तैयार हो जाएगा। देखिए अभी मैं इसको रखती हूँ केक को माइक्रोवेव में, ये देखें। स्टार्ट करते 15 मिनट के लिए रखना। कुल्ली मेरे पकड़ो, कुल्ली की मेरा बेटा बना रहा है। हाँ ओह।